अरे रुक जाए यार, पागल है क्या बेटा? उसकी क्लास की प्रैक्टिस करानी है, तू हर चीज में अड़ता क्यों है? बारी आएगी, रुको। बिना इसके भी कर सकता है, जरूरी थोड़ी है इसी से करेगा। तो तेरी थोड़ी ना अटकने की प्रॉब्लम है, उसकी है। मैंने इसको हाजमोला की गोली दिया तो कह रहा देख क्या गैस बन रखी है मेरे पेट में। खुद को इसकी गैस बन गई। मुझे एक बार भूख में दो बार लग रही थी। दो बार? हाँ। तो 4:30 बजे थोड़ी ना उठता, तूने सबकी नींद खराब कर दी। सो जाओ। सो जा अभी। नहीं। तो बेटा हमको तो सोने दे, 4:30 बजे अभी। दो तीन बार मुझे। अभी एक बार तो पी चुका है। एक ग्लास दे चुका हूँ पूरा। मुझे दो बार पी तो। दो बार नहीं पीते, सो जा सुबह सुबह। अभी जब उठेगा ना फिर दे देंगे। ज्यादा पिएगा ना पेट में दर्द हो जाएगा सुबह सुबह। पेट ढक ले और पैर अंदर कर ले। मुझे दो बार पीना है, दो पीना है। हाँ। ठीक, अभी लाएंगे। अगर मैं अपने काम के लिए कुछ बोलूँ ना तो इस मैडम के पास टाइम नहीं है, और अगर इसको एक लिपस्टिक भी लेनी है ना तो 10 मार्केट का चक्कर काटती है। तो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, मेरा नाम है दीपक, और आज इस क्लिप में पूरी में देखना कि ये आज क्या करके आई है पूरे दिन। अभी इधर पता नहीं क्या हो गया जो इतना ज्यादा जाम लगा हुआ है। CNG की 2 लाइट और पेट्रोल भी कम है, तो मैं सोच रही हूँ पहले CNG डलवा लूँ। एक तो मुझे मास्क नहीं मिला आज कोई भी, तो ये वाला मास्क लगाना पड़ा। खैर ये वाला मास्क जो भी है दिखता अच्छा नहीं है पर कंफर्टेबल बहुत है। और दूसरा मैंने पपीता निकाला था खाने के लिए, फिर मुझे याद आया कि यार गाड़ी चलाते चलाते मैं पहले तो खा लेती थी पर अभी नहीं खा सकती क्योंकि मास्क हटाऊंगी और पुलिस वाले ने आके पकड़ा तो 2000 रुपये जाएंगे। तो फिलहाल अभी मैं वेट कर रही हूँ राखी का, और जैसे ही वो आएगी तो हम जाएंगे हॉन्टेड व्लॉग बनाने के लिए, और वो इस चैनल पर नहीं आएगा, वो मेरे दीप्ति शर्मा पर आएगा। फिलहाल अब मैं पपीता खा लेती हूँ। तो राखी भी आ गई है, आज मैं राखी को बोल रही हूँ स्मार्ट और सेक्सी लग रही है, तो पहले से ही है। तो अभी इसने मुझे बताया कि ये वाली जगह ना किसानों को दी थी, मुझे मालूम नहीं है क्योंकि ये वाला एरिया छोड़े हुए मुझे बहुत सारे साल हो गए और इस तरफ मेरा आना भी नहीं होता। तो अब पता नहीं आई गेस कि अभी हैं किसान यहाँ पर, शायद चले गए होंगे यहाँ पर। हाँ, पर थोड़ी सिंधु बॉर्डर पे जमे हुए। अच्छा, तो थोड़ी फोर्स है यहाँ पर अभी भी सिक्योरिटी के लिए, तो अब हम चल रहे हैं यहाँ से, जा रहे हैं अपनी और यादें ताजा करने के लिए कैंटीन के अंदर, क्योंकि अब लंच टाइम हो गया और हमें लग रही है। क्या हुआ? टाइम लग रहा है कितना ₹25 में पाव भाजी है। सो यम्मी यम्मी पूरी लेने हैं तो ₹1 के 2 हम ऐसे ही मिलेंगे, ₹1 बचा लेते हैं। तो एक एक प्लेट खा ली है, एक प्लेट और आई है और कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली है। गाइस अच्छे से पेट भरने के बाद अब हम जा रहे हैं घूमी घूमी करने के लिए, हालांकि मेरे पास भी बहुत सारा काम है और इसके पास भी बहुत सारा काम है, पर आज हमने सोच लिया है कि होल्ड पे डाल दो और कमला नगर मार्केट चल लो। और मास्क उतार के बात कर रही हूँ, कितना रिस्क लिया, जबरदस्ती लेकर जा रही है। इसके पास तो बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। 2 दिन की छुट्टी का कल ऑफिस गई थी, आज उसके साथ देखो मस्ती मारने जा रही हूँ। और अभी इसको 3 दिन मेरे घर भी रह रहे हैं, तो सोचो 3 छुट्टी इसको वो लेनी है। हाँ ना, नगर तो पहुंच चुके हैं, पर यहाँ पर पहुंचने के बाद एक ही भसड़ होती है कि आपको पार्किंग नहीं मिलती है। और अभी मुझे वो वाला सीन याद आ रहा था कि जब हम छोटे होते थे हमारे पास कार नहीं थी, तो मम्मी हमें दिवाली की शॉपिंग करने के लिए 1 साल में 1 बार कमला नगर लाती थी, और इसी चौराहे पर हम 1-1 घंटा खड़े रहते थे कि ऑटो कोई मिल जाए, और ऐसे हाथ लाते थे भैया संत नगर चलोगे? नहीं मैडम सवारी है। तो उसके बाद ये लगाना ये हाँ ये हाँ, तीसरे नंबर पे आप हाँ ये लास्ट में आएगा, पहले ये आएगा, ये रोकेगा ना ऑयली स्किन के लिए। ये ऑयली स्किन 8 के 8 कलर ले ले तो पूरे ले लियो, इतनी मालदार नहीं है। राखी ने ना स्विस ब्यूटी के काउंटर से ना 2 काजल ले लिए, एक लाइनर ले लिया है और एक हाइलाइटर लिया है, और जबरदस्ती जिद करके ना हमने ना ये पाउच भी ले लिया है, और शार्पनर तो फ्री मिलता ही है। वो आगे चल रहे हैं, देखते हैं कुछ क्या मिलता है सस्ता जुगाड़। तो बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम से ना इसके प्रोडक्ट्स लेना चाहती थी और इसके साथ लेना चाहती थी, और डिस्काउंट भी करा दिया है। वैसे ना कमला नगर में ना भीड़ बहुत ज्यादा है, और ऐसा लग नहीं रहा कि हम वीकेंड पे आए हैं, पर पंगा ये है कि यहाँ पर ना विंटर का ना सारा सामान बाहर निकाल दिया है, तो समर का हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अननेसेसरी टाइम वेस्ट करके ना यहाँ रुकना बेकार है, और इसको भी लेट हो रहा है और मुझे भी लेट हो रहा है। तो फिलहाल अब हम जा रहे हैं वापस घर। इतनी चिपका के गाड़ी खड़ी कर जाते हैं कि बंदा निकाले तो निकाले कहाँ से।
आगे भी स्पेस नहीं है कि गाड़ी एक बुलंद आगे एक बुलंद पीछे और कितनी मुश्किल से काटी है, पसीना छूट गया हमारे काटने में। और वो बंदा खड़ा हुआ है गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, बोल रहा है मैं कहां से पीछे करूंगा, मेरी गाड़ी के पीछे खंभा है, लगा के चले जाएंगे बस, निकालने वाला टेंशन लेगा, उनकी कोई टेंशन नहीं है। फिलहाल हम कोल्ड ड्रिंक पी के अपना दिमाग ठंडा कर लेते हैं। सोना ये वीर बाजार लगा हुआ है, बचपन में आराम मैंने वीर बाजार के चक्कर में रेड लाइट क्रॉस कर दी, अगर पुलिस वाले देख ले तो चलान कट जाएगा। बचपन में मैं और मेरी एक फ्रेंड होती थी सविता, हम यहाँ पर आते थे और बहुत सस्ते सस्ते कपड़े मिलते थे, इतने सस्ते कि मैं वीडियो में 25 रुपए में मैं बोल रही हूँ कि मैं बता नहीं सकती, ये मेरी बेइज्जती यहाँ करा रही है। बहुत सस्ते कपड़े मिलते थे और यू नो भाई एक मिनट रुक जाओ नहीं तो आज हो जाएगा कुंडा, एक बार रेड लाइट तो क्रॉस हो चुकी है। इतने सस्ते कपड़े होते थे और सबसे बड़ी बात यह कि 26 कमर थी मेरी उस टाइम पे और स्टाइलिश वाले टॉप मिलते थे और इसके साइज के टॉप भी बड़ी मुश्किल से छांटने से मिलते होंगे क्योंकि ना ऐसे होते थे बाबा जी वाले, बहुत पतली कमर थी। और पता है मैं भगवान से क्या विश करती थी, भगवान अगर तुम्हारे में शक्ति है ना तो मुझे मोटा कर दो, मुझे मोटा कर दो। आराम में बोलती वापस पतली हो जाऊं काश। सच में मैं तो बिलीव नहीं कर पाई थी इतनी मोटी देख करके, और कहां ये इतनी सी होती थी और कहां इतनी हो गई है, सोच सकते हो शायद तीसरा हिस्सा बनता इसका कभी पहले का सोचे तो। चलो कोई नहीं, आई एम अ मदर ऑफ टू किड यार, ये तो है। गट्टू अरे ये ले, चल 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 निकल, अबे रुक जा, अबे गट्टू खेलना था पंजा मार देगी, नहीं मारती। हाँ मारती है वो छोटे बच्चों को, जब चल गंदा बच्चा चल आया, ये मेरा पैकेट आया होगा ना। सो बैटरी आई है, ये मुझे गिफ्ट आई है और इसकी 12 महीने की वारंटी है। क्या हुआ गट्टू? 2:30 बजे बहुत परेशान हो गया, जीते जाते जाता। ड्रामा मत कर, चुपचाप पी ले ये। पहले मंगवाया क्यों अगर नहीं पीना तो? दांत के साथ पीना है। दांत सो गया है यार। मैं नहीं उठाऊंगी, जल्दी आओ। नहीं उठाऊंगी। यार लेट हो रहा है बहुत, सारा दिन फोन में घुसा रहता है। अरे यार तेरी मेल चेक कर रहा हूँ, कितने फेक मेल आ रखे तेरे को, हद है यार। गाइज मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ, अगर आप एक यूट्यूबर है, यूट्यूब चैनल हैंडल कर रहे हैं ना, तो आजकल अगर आपका चैनल थोड़ा सा भी ग्रो करता है तो आजकल इतने फेक मेल आने शुरू हो जाते हैं जिसमें लिंक होता है। अबे गट्टू चुप हो जा, पापा काम की बात कर। लिंक होता है उस पे लिखा होता है इस लिंक पे डाउनलोड करो तो आपका आपको पैसे मिलेंगे, आपका मतलब रीच अच्छी हो जाएगी। तो कृपया करके ऐसे किसी लिंक पे आप क्लिक ना करें, लिंक को डाउनलोड ना करें और किसी भी ऐसी फेक मेल का ना रिवर्ट ना करें ताकि कि आपका चैनल सेफ रहे और आपका चैनल हैक होने से बच जाए। सो बेसिकली होता क्या है, वो लोग आपको ये बोलेंगे कि हमारी म्यूजिक कंपनी है या फिल्मोरा के लिए मेल आते हैं या फिर ऐसा बोलेंगे कि बिनोमो का प्रमोशन है और वो उसमें ना लिंक भेजेंगे आपको, तो उस लिंक पर आपको गलती से भी क्लिक नहीं करना है अगर आप एक यूट्यूबर हैं। गट्टू चुप हो जाए यार, तू तो हमेशा सारा दिन खाने में लगा रहता है। तो तेरे को रोटी दिए मैंने, पराठा दिया, तेरे को पराठा तो खाना नहीं है, सुबह सुबह मैगी लेके आ गया है। तो रोटी भी तो खाते हैं। ये गाइस वो चीज है जो हमारे बेटे और पाप की दोनों की फेवरेट है। तो बेसिकली अब आपको किसी भी मेल के लिंक पर क्लिक नहीं करना है अगर आप किसी एड कंपनी से डील करना चाहते हैं, तो बेटर ऑप्शन टू डू बाय मेल, व्हाट्सएप और कॉल। सो अब आप इस वीडियो को यहीं खत्म कर दीजिए। तो गाइस ये हो गए आज की मतलब इंफॉर्मेटिव बातें, या तो कृपया करके हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें, हमारी रीच बढ़ाएं और हमें ऐसे ही प्यार दें और गट्टू को प्यार दें और बट्टू को प्यार दें और गट्टू बट्टू की मम्मी को प्यार दें, पापा को प्यार दें और अपना ख्याल रखें, नानी का ख्याल रखें, मम्मी का ख्याल रखें, पापा का ख्याल रखें, भैया का ख्याल रखें, मौसी का ख्याल रखें, मौसा का ख्याल रखें, दादा दादी, दादा दादा, नाना नानी, बुआ फूफा, जरूरी अपना ख्याल रखें क्योंकि कोई आपका साथ देना, साथ साथ दे या ना दे, आपका शरीर
मरते दम तक आपका साथ देते हैं। तब ये मेरी केयर नहीं करता, अपनी ज्यादा करता है। तभी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे ये जो कमरे बिहाइंड द सीन है ना, ये भाग जाती है मेरे को अकेला सोते हुए छोड़ते। बाय, टेक केयर।